बंगाली मुसलमान मोदी जी को लेके क्या सोचता है ये बताओ, ईमानदारी से बोलना, और ममता दीदी भी देख रही हैं, तो जो बोलना वो सोच समझ के बोलना। जो तीन तलाक है तो वो तीन तलाक इशू को जो है उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अच्छा, मतलब जो बहन बेटियां हैं उनका अधिकार सुरक्षित हुआ, इस बात को मुसलमान समझता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने संसद में विरोध किया था। समझेगा आप बोलिए, क्योंकि पहले तीन बार तलाक 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 बोल देने से तलाक हो जाता था, अभी नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी है तो नामुमकिन है? मोदी है तो सब मुमकिन है। आप क्यों चाहते हो, मुसलमान क्यों चाहता है मोदी को, ये बताइए। और किसको चाहेगा, कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सीपीएम को देख लिया, टीएमसी को भी देख लिया, और इस साल मोदी को देखूंगा। बोल्ला साहब ये बताइए, मुसलमानों का विकास कुछ हुआ है या सिर्फ हवाबाजी है? ऐसे मार्केटिंग कहा जाता है, प्रधानमंत्री मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, मार्केटिंग कर ले, मुसलमानों को तो कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ है या सचमुच कुछ मिला है, हाथ में कुछ आया, क्या मिला? हौज के लिए मिला है। कोई मुसलमानों के साथ बीजेपी भेदभाव सोच बदली है प्रधानमंत्री के प्रति, सोच बदली है? हम जिंदा दिन बीजेपी कर रहे हैं। मेरा इतना मानना है, हम लोग का मेन नारा क्या है, जय श्री राम। तो माइनॉरिटी से हम लोग जो मुसलमान लोग जो जाते हैं, पहले बंगाल का मुसलमान जय श्री राम बोल रहा है, आप ये कह रहे हो? फिर से बोले बोल रहे, मुझे जय श्री राम, हमको बोलने दीजिए। हम लोग जब जाते थे तो हमको बोलता था, भाई तू जय श्री राम क्यों बोलता है? हम बोले देखो जय श्री राम हम क्यों नहीं बोलेंगे, वो उसको हम जय श्री राम बोलेंगे, वो हमको जय श्री राम बोलेगा, वो हमको जब हमारे साथ भेद हो रहा है तो वो भी तो हमको बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, ये जो संदेश है वो नीचे तक पहुंच रहा है और इसी बात की चर्चा चाय की दुकान पर हो रही है, लेकिन ये चर्चा यही नहीं रुकेगी, कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत, और इस तस्वीर को, इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये समझ में आए क्या 9 सालों में देश का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच रखता था और क्या ये सोच बदली है। बने रहिए हमारे साथ। हमारा इरादा अलग अलग लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाना है, लिहाजा हम आगे बढ़े और कोलकाता के दूसरे इलाके में मौजूद भाई जान से बात की। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? हमारा अच्छा लगता है, बहुत जगह पे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो तीन तलाक और हज में जो उन्होंने सहायता दी है उसके लिए भी सब बहुत ठीक ही है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो मुसलमान मोदी को तो एक जमाना ऐसा था पसंद नहीं करता था, आप हमको जब सहायता देंगे, बारिश होगी छाता देंगे, तो मेरे लिए तो आप अच्छे हो जाएंगे ना। यही बात है, और क्या। तो छाता मिल रहा है मोदी जी की तरफ से? यस यस। जो मुस्लिम है वो साइलेंट वोट करता है बीजेपी को, छुप के करता है, डर के करता है, लेकिन वोट बीजेपी को करता है। यस यस यस, जो परवेज साहब ने कहा वो सही बात है कि साइलेंट वोटर मोदी जी के बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो साइलेंट वोट करते हैं और मोदी जी को ही करते हैं। तो मोदी के भाईजान हैं? मोदी जी भाईजान है, देखिए मोदी जी भाईजान हैं। मुसलमानों ने भाईजान मान लिया कि नहीं, कि अभी भी कोई शक शुबा है? शक शुबा बहुत सारे लोगों में है मोदी जी के, है ना, क्योंकि हम जो तबके में रहते हैं वो तबके में बहुत सारे लोगों का ये है कि हम यहाँ रहते हैं एक बिजनेस हब के अंदर, रेडीमेड गारमेंट के अंदर के अंदर पूरे मुसलमानों को ये डर है कि मोदी जी आ जाएंगे मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस पे पाबंदी लगेगी, ये हम लोग जो गोश्त खाते उस पर पाबंदी लगेगी। बंगाल बदलाव की तरफ देख रहा है और ये तमाम मुस्लिमों से बात करके जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि 9 सालों पहले जो सोच थी उस सोच में बदलाव आया है और वही बदलाव एक नई भारत लिखने को तैयार है। हालांकि चुनाव में ये कितना कन्वर्ट होगी ये बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में मुसलमानों में विश्वास की बहाली हुई है, प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखते हैं और बंगाल में भी वो चाहते हैं कि बीजेपी करिश्मा करे, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास की जो बात कही गई थी वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और जगह चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और मुद्दों पर बातचीत, और यही समझने की कोशिश कि 9 साल में क्या कुछ बदला। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।